हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड स्क्वायर की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, जिसमें बीटेक बीसीए के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो नेटवर्किंग किया वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन चंडीगढ़ होगा, फुल टाइम आपको काम करने का मौका मिलेगा। डिपार्टमेंट होगा कस्टमर सर्विस, ठीक है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मोर देन 5000 ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड ऑलरेडी यूजिंग जेड स्केलर, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंशन किया गया है कौन कौन ब्रांड है जिसमें जेड स्केलर काम करता है। इस लैपटॉप में भी जो है जेड स्केलर काम करता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ओपन जेड स्केलर सिक्योरिटी पर्पज के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको क्या क्या करना होगा, जैसे कि मैनेज ऑन बोर्ड कम्युनिकेशन विद रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल चेंजेस अपग्रेड एंड माइग्रेशन, ठीक है। कस्टमर एंगेजमेंट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट असाइन करना पड़ेगा, बिजनेस रिलेटेड काम हो सकता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, ओरल एंड रिटन, यानी कि इंग्लिश अगर आप जो बात करते हैं वो एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मोटिवेट होना चाहिए आपको, कैन डू, ये सब हर इंसान के अंदर होता है, तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप सीसीएनए सीसीडीपी अगर सर्टिफिकेशन है तो गुड, आपको मतलब कि आपको वैल्यू ऐड कर सकता है, आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये आपने कर लिया है तो ये आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगा आपको जॉब हासिल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई जेड स्क्वायर यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, यहाँ पर सारा चीज मेंशन किया गया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, बस आप इंटरेस्ट, उसके बाद कुछ फॉर्म आएगा उसको भर दीजिएगा, भरने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा बिजनेस इंक्वायरी मेल वहां पर दिया गया है अबाउट में, वहां से आप मेल करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।